पावार को भेटिले गौतम अदानी। मुंबई रे एनसीपी मुख्य को भेटिछंति ए विशिष्ट उद्योगपति। विपक्ष के विरोध बेले अदानी को सपक्ष रे बाहरी थिले शरद। एनसीपी सुप्रीमो शरद पावार को भेटिछंति अदानी ग्रुप मुख्य गौतम अदानी। पावार को मुंबई स्थित बासभवन साक्षात करिछंति भारतर ए विशिष्ट उद्योगपति। तबे साक्षात हिंडनबर्ग रिपोर्टर मुद्दारी अदानी को समर्थन करबा पर होछि। सूचना अनुसार अमेरिकार फर्म हिंडनबर्ग गौतम अदानी नेतृत्व में चली अदानी ग्रुप को नहीं एक रिपोर्ट जारी करथिला। रिपोर्ट अदानी ग्रुप मार्केट रे हेरफेर एवं अकाउंट ठकई भली अभियोग करथिला हिंडनबर्ग। तबे रिपोर्ट सामना को आसा पर अदानी समूह शेयर रे ह्रास देखा मिलता। जदि अदानी ग्रुप तथ्य को भित्तिहीन एवं विभ्रांतकर तथ्य बोली कहिथिला, किंतु रिपोर्ट प्रकाश पर साधारण जनता मध्यरे विभ्रांत सृष्टि होइतिबा दाबी करा जायथिला। अन्य पक्ष रे रिपोर्ट को जांच पाई सुप्रीम कोर्ट रे अनेक पिटीशन दाखल करा जायछि। मार्च रे विशेषज्ञ कमिटी गठन करबा को सुप्रीम कोर्ट निर्देश देथिले। ए कमिटी रे अध्यक्षता अवसरप्राप्त जज ए एम सप्रे करछन्ति, किंतु ए घटना को नहीं राजनीति खूब तेज थिला। विपक्ष दल ए मामला को मोदी सरकार को सह जोड़ी हड़ताल करछन्ति। विशेषकर ए मुद्दा को जारी रखिछन्ति कांग्रेस युवराज राहुल गांधी। संसद रे मध्य एहाकु नहीं झड़ सृष्टि करिछन्ति विरोधी। तबे अदानी को मामला रे जेपीसी रो दाबी को झटका दे पावर कहिथिले एहा ठीक हेबो नाही, कारण 21 रु 15 सदस्य क्षमतासीन दल रहबे। एहाकु नहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश कहिथिले एनसीपी रो निजस्व आभिमुख्य थाई पारे, किंतु 19 टी विरोधी दल अदानी प्रसंग को गंभीरतार सह मानुछन्ति। जेतेबेले समस्त विपक्ष दल ए रिपोर्ट को नहीं अदानी एवं मोदी सरकार को टार्गेट करते सेतेबेले अदानी को पावर को सपोर्ट मिलिथिला, आउ ताहा ही एही भेटघाट पछर प्रमुख कारण बोली कह जाउछि। रिपोर्ट राइजिंग ओडिसा।